Let's start with buffer action. So what is buffer action? अगर हम एक बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालें तो क्या होता है? Will its pH change or not? No, sir. Small quantity. Or people are saying that meeting is log. बफर में अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालें तो विल इट्स पीएच चेंज और नॉट? क्विकली टेल मी. सो सर किसी पर्टिकुलर लिमिट के बाद शायद चेंज हो जाए. इट विल ट्राई नॉट टू चेंज. सर कुड यू अनलॉक द मीटिंग? इट विल ट्राई नॉट टू चेंज मतलब थोड़ा चेंज होगा. करेक्ट? यस सर. यस सर. बफर का पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालने पे इट विल चेंज स्लाइटली. इट विल नॉट चेंज एज मच एज इट शुड बट स्मॉल चेंजेस होंगे. करेक्ट? वही हम इस सेक्शन में कैलकुलेट करेंगे कि अगर एक बफर सॉल्यूशन में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डाला तो उसका बफर उसका पीएच कितना चेंज होगा. हाउ मच विल बी द चेंज इन पीएच? ओके, दैट इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस इन दिस सेक्शन. चलो स्टार्ट करते हैं. सो कुड यू अनलॉक द मीटिंग? व्हाई? You are not in the meeting? Sir, I am. I mean, a group pe messages aa rahe hai that they are saying that the meeting is locked. So let's start with strong acid added to acidic buffer. एसिडिक बफर में अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड किया तो क्या होगा? एसिडिक बफर में होता क्या क्या है? वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट. वीक एसिड एंड सॉल्ट. करेक्ट? तो मतलब कोई वीक एसिड है HX और उसका सॉल्ट यानी उसका कॉन्जुगेट बेस है H-. ओके, ये दो चीजें पहले से बफर में है और इसमें हमने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया. करेक्ट? क्या करेगा ऐसे सॉल्यूशन में आके? H+ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा. नहीं बढ़ा पाएगा ना, बफर है ये. हाँ, मतलब लाइक इट विल कंप्लीटली आयनाइज, सो द रिएक्शंस ऑफ HX एंड HX विल गो बैकवर्ड्स. नहीं नहीं, व्हाट यू सेड कंप्लीटली आयनाइज, सो द स्ट्रॉन्ग एसिड. हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज ऑलरेडी आयनाइज. हाँ, यस सर. अब क्या करेगा? एसिड विल रिएक्ट विद बेस और व्हिच इज द बेस स्पीशीज? X minus. सर तो HX कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और X माइनस कम हो जाएगी. यस सर. तो स्ट्रॉन्ग एसिड तुमने डाला H+, वो X माइनस से रिएक्ट करके HX बना लेगा. करेक्ट? तो इसके इनिशियली अगर N2 मोल्स थे, इसके N1 थे और इसके N मोल्स डाले तो फाइनली क्या बचेगा? N2 माइनस N, N1 प्लस N. ठीक है? जितना तुम स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे वो क्या करेगा? X माइनस से
कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। क्लियर? सो व्हाई कंप्लीटली रिएक्ट? भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड का न्यूट्रलाइजेशन इज द कंप्लीटली प्रोसीडिंग रिएक्शन, उसका के बहुत हाई होता है। सो बट HX टू H प्लस ओके सर वाटर सर वाटर सर तो यहाँ पे हमेशा H प्लस लिमिटिंग रिएजेंट ही होगा। हाँ, अब अगर तुमने H प्लस ज्यादा डाल दिया तो क्या होगा? हाँ, अगर तुमने H प्लस ज्यादा डाल दिया तो क्या होगा? X माइनस कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, बफर बचेगा ही नहीं, फिर तो X माइनस खत्म हो जाएगा और फाइनली क्या बचेगा? H प्लस एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन करेक्ट, तब तो बफर बचेगा ही नहीं, करेक्ट? यस। अब बफर की पहली लाइन पढ़ो जो बफर सॉल्यूशंस में लिखती थी, जस्ट रीड दैट। Solutions which change which resist change in their pH on addition of small amount of strong acid. Small amount. देखो वहीं पे clearly mention किया है कि strong acid, strong base बहुत ज्यादा डाल दिया तो buffer बचेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। Yes sir. Yes, sir. तो इसीलिए मैंने X plus को limiting reagent लिया। तो अब पीएच कितना हो जाएगा इस सॉल्यूशन का? पीकेए प्लस लॉग ऑफ मोल्स ऑफ एक्स माइनस इनिशियल अपॉन एच एक्स इनिशियल। पहले ये फॉर्मूला था। यस सर। अब क्या हो गया? माइनस मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड जो आपने ऐड किए, और डिनोमिनेटर में हो गया प्लस मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर? यस सर। एक बार पीएच वाला पार्ट समझ देंगे वापस। पीएच का फॉर्मूला तो लास्ट क्लास में किया था, बफर के इक्विलिब्रियम फाइनली एक्स माइनस के मोल्स अपॉन एच एक्स के मोल्स आते थे लॉग के टर्म में। हाँ सर, हाँ सर, ये आता था। बस फाइनली अभी x माइनस और h x के मोल्स कितने हैं? n2 माइनस n और n1 प्लस n। यस सर। करेक्ट? समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। और इसी तरह अगर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया होता, एडेड टू एसिडिक बफर। डाउट है सर, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड डाला एसिडिक बफर में तब भी पॉसिबिलिटी है ना कि वो अगर बहुत डाल दिया तब वो बेसिक सॉल्यूशन रह जाए, ऐसा कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटी? बहुत ज्यादा एसिड डालने के बाद बेसिक सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? नहीं सॉरी सर, समझिए। तो अब बेस डाला है, बेस किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से। अब क्या हो जाएगा? पीएच सही है, प्लस एन स्ट्रॉन्ग बेस माइनस एन स्ट्रॉन्ग। क्लियर?
सर हम लोग जितना भी ऐड कर रहे हैं सब स्मॉल अमाउंट में ऐड कर रहे हैं। यस सर, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं H प्लस और OH माइनस कंप्लीटली क्यों रिएक्ट होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीशन को जाता है। ओके ओके नोट। यस सर, एक मिनट, ऑलमोस्ट सर, एक मिनट। सर हो गया। And similarly, we can discuss strong acid को अगर एक बफर में ऐड किया जैसे बफर में और बी प्लस एसिड ऐड किया बेस से रिएक्ट करेगा तो BOH के मोल्स कम होंगे और B प्लस के बढ़ेंगे तो इस बेसिक बफर का नया POH हो जाएगा PKB प्लस log ऑफ moles of okay So one second.
Noted, sir. So, next thing what we can discuss एक एसिडिक बफर को बनाने का क्या तरीका था, कैसे बना रहे थे एसिडिक? वीक एसिड प्लस सॉल्ट. वीक एसिड प्लस सॉल्ट. वीक एसिड और उसका सॉल्ट. सपोज मेरे पास एक वीक एसिड है लेकिन उसका सॉल्ट नहीं है और हमें बफर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? इज देयर एनी वे वी कैन मेक इट? सर, ऐड अ स्ट्रॉन्ग बेस इन स्मॉल अमाउंट्स. यस, वन वे अनदर वी कैन डिस्कस. वी कैन मेक दिस बफर बाय a weak acid and a strong base, but a strong base should be the limiting reagent, correct? Yes, the small amounts. Yes, strong base should be less than weak acid. Aur koi tarika? Or we can add a salt of other compound which will form the salt of the acid. Salt hydrolysis. Yes, देखो यहाँ से देखो. Sir, add a weak base so that we get a neutral buffer. इस formula में देखो. ये जो formula है, इसमें मैं वीक एसिड के स्टार्टिंग में मोल जीरो ले लूं तो भी बफर बना सकता हूं ना? यस सर. अगर मैं सॉल्ट लूं वीक एसिड का और एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूं लिमिटिंग रिएजेंट, तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड लूंगा उतने मोल्स वीक एसिड बन जाएगा. यस. तो एक और तरीका क्या है इसी बफर को बनाने का? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग एसिड. और कंडीशन क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड इन लेस अमाउंट्स. स्ट्रॉन्ग एसिड शुड बी लिमिटेड. ठीक है. वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाला केस भी वही उससे ही आया है जो हमने स्टोइकोमेट्री लिखा है. वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस वाला केस दूसरे फॉर्मूले से आया. यस सर. ओके. कैसे है एक बार बता सकते हैं? यार इसके मोल जीरो ले सकता हूँ ना मैं शुरू में. जितने मोल के स्ट्रॉन्ग बेस डालूंगा वो वीक एसिड से रिएक्ट करके उतने मोल सॉल्ट बना लेगा. ओके सर, गॉट इट. और सिमिलरली अब बेसिक बफर कैसे बना सकते हैं, कैन यू टेल मी? So weak base plus its salt. Weak base plus strong acid. A strong acid is the limiting. Weak base, strong acid, strong acid limiting. Salt of weak base plus strong base in limiting amounts. Salt of weak base plus strong acid. ठीक है. सॉल्ट वाला केस समझा नहीं सर. सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड के. यार सॉल्ट ऑफ वीक एसिड क्या होगा? ऐसा कोई सॉल्ट सोडियम एसिटेट, उसमें HCl डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड H+ डाल दिया, क्या बनाएंगे? CH3COH.
अब अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो फाइनली ये बचा रहेगा हाँ सर, और ये बन गया हाँ सर, वीक एसिड और उसका सॉल्ट बन गया हाँ, बफर आई है ओके ओके सर। यहाँ बोलते किसको जीरो लिया था इनिशियली सर, वो स्टार्टिंग में इसको ही जीरो लिया ना, ये नहीं डाला वीक एसिड कहीं। ओके ओके सर, समझ गया समझ गया, थैंक यू सर। हो गया लोड सर, एक मिनट सर। सर एलआर क्या होता है वापस बता सकते हो? यस, मैं अभी तक यही नहीं समझ में आया एलआर क्या होता है। सर उसका फुल फॉर्म भूल गया मैं, मतलब पता है वो क्या होता है बट उसका फुल फॉर्म नहीं याद आ रहा। Can anybody help him? Limiting reagent. Okay, thank you. एक सेकंड, इससे प्रीवियस का प्रीवियस पेज दिखा देंगे स्क्रीनशॉट। चलो एसबीएस पे प्रॉब्लम स्टार्ट करो। सर एक और तरीका हो सकता है ना, सॉल्ट में वाटर डालना, जिससे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होगा तो एसिड बन जाएगा। मजाक समझो मजाक। चलो एक प्रॉब्लम करो। मुझे इससे पहले का पेज दिखा दीजिए नेक्स्ट। सर इससे भी पहले वाला तो सर यहाँ पे BOH और B plus basic buffer है ना, और OH और जो आप strong acid और strong base आ रहा है वो external से डाल रहे हो ना। ओके सर, और अब एक मिनट दिखा सकते हो क्वेश्चंस का पेज। Thank you.
हो गया कंप्लीट. सो कैन यू गिव 2 मिनट्स? यस सर एक्सपर्ट. यस सर प्लीज 5 मिनट्स. यस सर. हेलो स्टार्ट करते हैं. अब बोलो कौन सा डिस्कस करना है सर? 30th सर. 28th यस सर. 30th 30th में 26 आल्सो सर. 24 सर. 24 26 जैसे प्रॉब्लम्स क्या पूछ रहे हो? मैं कुछ है भी उस प्रॉब्लम में उसमें पता नहीं रॉन्ग आंसर आ रहा है. आंसर शायद मैच नहीं हो रहा सर. 28 और 29 का उल्टा दिया रहता सर. पीएच दिया एंड दे माइट हैव कैलकुलेटेड पीओएच. इतने सिंपल प्रॉब्लम्स भी करवाओगे तो सारे ही पूछ लिए. 24 26 28 क्या है 24th प्रॉब्लम में?
एसिटिक एसिड और NaOH मिलाया है। एसिटिक एसिड के मिली मोल्स हैं 10, NaOH के 5, तो फाइनली 505 एसिडिक बफर बन गया। क्या आंसर इसमें मैच नहीं हुआ? गलती मिल गया, सॉरी। NH4Cl में NaOH मिला गया। ये 5 मिलीमोल है, ये 7.5। वीक बेस और उसका सॉल्ट बेसिक बफर हो गया। इसमें क्या आंसर मैच नहीं हुआ? डायरेक्ट सब करा के दिया। बताओ ये है POH, pH 14 माइनस दिस थिंग, में एसिडिक बफर है। पीके निकाल लो पहले। बफर का पीएच पूछा है। सॉल्ट पे कितने मोल्स हैं और एसिड के? अब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है, सॉल्ट के मोल कितने थे? 1000 ml में और 10 ml बफर ले रहे हैं और इसमें डाला है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो सॉल्ट से रिएक्ट करेगा और एसिड बना देगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस ऐड किया है। कर लोगे आप कैलकुलेट? यस सर। हाँ यस सर। हो गया सर, एक सेकंड सी पार्ट में। हो गया सर।
आगे लिखते हैं बफर कैपेसिटी। जस्ट एक कैलकुलेशन रिलेटेड पूछना था सर, जैसे एक्सपर्टीज एंड अटेनर्स में एक पावर आया 10 की पावर 0.3, तो सर उसे विदाउट कैलकुलेटर कैसे निकालेंगे? 10 की पावर 0.3 आया सर, वो एप्रोक्सीमेटली कैलकुलेटर में 2 आ गया, बट उसे विदाउट कैलकुलेटर कैसे निकालेंगे? लॉग को कभी पढ़ा है तुमने? सॉरी सर, सॉरी। नोट करो उसको। हो गया? यस सर। तो देखो बफर कैपेसिटी कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में कितने मोल्स स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालना पड़ेगा कि उसका पीएच 1 से चेंज हो। ओके, तो नाउ कैन यू टेल मी कौन सा बफर अच्छा होगा, जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा हो या जिसकी बफर कैपेसिटी कम हो? सर ज्यादा हो। ज्यादा हो ना, जिसकी बफर कैपेसिटी जितनी ज्यादा वो उतना अच्छा बफर, करेक्ट? मतलब वो उतना ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है ना। यस सर, यस सर। तो कैसे कैलकुलेट करें बफर कैपेसिटी, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसके लिए कोई फॉर्मूला? अगर मैं कहूं कि n मोल्स स्ट्रॉन्ग एसिड डालने से डेल्टा पीएच का चेंज आ रहा है बफर के पीएच में, तो क्या हो गई बफर कैपेसिटी? कैन यू टेल मी? अब डेफिनेशन देख के अगर ये इंफॉर्मेशन दी है कि n मोल्स डालने से डेल्टा पीएच का चेंज है, n बाय डेल्टा पीएच का मॉड, यस यस सर, यस सर, नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। ये क्लियर है सबको? सर मैंने समझा, बीसी है क्या ये? अभी बफर कैपेसिटी, ओके सर। और सर मैंने समझा, n बाय डेल्टा पीएच कैसे आया? समझाओ भाई।
एन मोल डालने से समझ से रहा यूनिटरी मेथड यूनिटरी मेथड यूनिटरी मेथड ओके थैंक यू सो बट द डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे है तो यूनिटरी मेथड कैसे लगा सकते हैं यूनिटरी मेथड तब लगाएंगे जब ये इंफॉर्मेशन दी है हम अज्यूम करेंगे कि वेरिएशन लीनियर है ओके सर या इसी को अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकता हूं ठीक है जब लीनियर वेरिएशन ना होता अपना Is it necessary to always speak in between? Sorry, sir. Sir. Differential form में ये लिख सकते हैं dn by dph. अब एक सपोज एसिडिक बफर में एसिडिक बफर में वीक एसिड है एच एक्स मान लो इसकी मोलारिटी है ए और एक्स माइनस की तो इस ए प्लस बी को हम क्या कहते हैं टोटल बफरिंग एजेंट ठीक है समझ रहे हो यस सर टोटल बफरिंग एजेंट इसको चलो हम सी से डिनोट करते हैं क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा करेक्ट अब अगर मैं पीएच लिखूं इस एसिडिक बफर का तो पीएच क्या होगा पीके प्लस लॉग बी बाय ए या इसको लिख लू पीके प्लस लॉग सी माइनस ए बाय ए करेक्ट नाउ लेट्स कैलकुलेट व्हाट विल बी डी पी एच बाय डी ए बताओ इसका डिफरेंशियल कितना होगा डिफरेंशिएशन तो आता है ना 1/2.303 इनटू ए ओवर ए अपॉन सी माइनस ए ये आएगा इसका डिफरेंशियल ठीक है क्लियर चले आगे सर एक सेकंड नोट कर सर लास्ट पेज दिखाओ ना सर एक बार लास्ट पेज दिखाइए ना तो डीए बाय डीपीएच क्या होगा Agreed. Yes, sir. And one more thing I can say. DA will be equal to mod DN. Ye agree kar lo. Yes, sir. So, yes. Mod DN by DPH kya ho gaya? Agreed? Yes, sir. ये लो differential form में भी निकाल दिया।
अगला नोट सर आप एक नेक्स्ट पेज दिखा सकते हैं सर नेक्स्ट पेज सर डीए इक्वल टू मोड डीएन कैसा है सर अगर मैं डीएन मोल से स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करता हूं तो क्या होगा सॉल्ट के मोल्स कम होंगे सॉल्ट के नए मोल्स कितने हो जाएंगे डी माइनस डीएन ओके सर गॉट इट तो फिर वो ए प्लस डीएन ओके सर तो एसिड्स के मोल्स का चेंज कितना है डीएन यस सर गॉट इट कौन सा बफर अच्छा होता है जिसकी बफर कैपेसिटी ज्यादा हो या कम हो ज्यादा हो ज्यादा हो तो कैन यू टेल मी व्हाट कैन बी मैक्सिमम बफर कैपेसिटी ऑफ एनी बफर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा निकालो जरा बताओ मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होगी और कितनी होगी सर जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो सी बाई टू के सर वन 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 नहीं होगी बफर कैपेसिटी मैक्सिमम विल अकर ओवर लीटर पे बाय 4 व्हेन द कंजुगेट एसिड बेस रेशियो इज 1:1 करेक्ट और कितनी होगी मैक्सिमम बफर कैपेसिटी ए और बी दोनों को सी बाय टू रख दोगे ठीक है तो देखो ये समझ में आ रहा है मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब होती है जब एसिड और बेस दोनों 1:1 के रेशियो में प्रेजेंट हो मतलब दोनों इक्वल हो अगर तुम्हें याद हो सबसे पहली डेफिनेशंस में बफर के लिखता था बफर शुड हैव अ वीक एसिड एंड अ वीक बेस इन कंपेरेबल क्वांटिटीज करेक्ट यस सर और देखो यहां प्रूफ कर दिया कि बफर सबसे अच्छा तब होता है जब कॉन्जुगेट एसिड बेस की क्वांटिटी बराबर हो ओके यस सर समझ में आ गया ये आगे बफर रेंज लिख लेते हैं
नॉट करो इतना। तो कैसे डिफाइन कर रहे हैं बफर रेंज? वो रेंज पीएच की जिसमें एक बफर इफेक्टिव है, जिसमें वो इफेक्टिवली अपने पीएच चेंज को पीएच चेंज में रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है, करेक्ट? तो बफर अच्छा रेजिस्टेंस तब ऑफर करेगा जब उसकी बफर कैपेसिटी हाई हो, करेक्ट? यस और नो? Yes, sir. और बफर कैपेसिटी हाई कब होती है? मैक्सिमम कब है? जब एसिड बेस रेशियो 1:1 है। एसिड बेस रेशियो 1:1 से ज्यादा या कम कुछ भी होगा, बफर कैपेसिटी कम होती जाएगी, करेक्ट? Yes, sir. तो हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 1:10 से 10:1 रेशियो तक बफर अच्छा बफर है। इस रेशियो के बाहर, मतलब अगर कोई भी एक चीज दूसरे से 10 टाइम्स ज्यादा या कम है, देन बफर इज अ यूजलेस बफर। तब उसका पीएच चेंज में रेजिस्टेंस इज नॉट हाई, ओके? समझ में आई है बात? कुछ मेंशन नहीं है तो तुम ये लोगे। तो मतलब सर ये ऑब्जर्व्ड है कि ये इफेक्टिव होता है बफर इस रेंज में। बफर कैपेसिटी बहुत कम हो जाएगी इस रेंज के बाहर। ओके सर, गॉट इट। Yes, sir. ओके, तो सपोज अब हमसे ऐसा एक प्रॉब्लम पूछा गया, बफर्स की इंपॉर्टेंस जानते हो? व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बफर्स? द ब्लड। इंपॉर्टेंस मैं पूछ रहा हूं, आई एम नॉट आस्किंग एग्जांपल। देखो क्या होता है, सेवरल बायोकेमिकल रिएक्शन अकर एट अ वेरी स्पेसिफिक पीएच, ओके? ठीक है? यस सर। तो उनको करने के लिए हम उनको एक बफर में करते हैं, सो दैट एक्सटर्नली अगर बाय मिस्टेक उस सॉल्यूशन में
कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस आ भी जाए तो रिएक्शन पे कोई फर्क ना पड़े। ओके yes. तो सपोज ऐसा एक क्वेश्चन है, अ रिएक्शन अकर्स एट पीएच 4.7, करेक्ट। नाउ आई हैव फोर एसिड्स एंड देयर सॉल्ट अवेलेबल विद मी। I have four acids, HA, HB, HC and HB. Okay? Some weak acids hain. pKa values 3, 4, 5, 6. ठीक है? और इनके सोडियम सॉल्ट है मेरे पास। अब ये रिएक्शन करने के लिए मैं किस एसिड से बफर बनाना पसंद करूंगा? सर सी बफर कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। सर सी होगा, लाइक उसका पीएच और पीके ऑलमोस्ट होगा क्योंकि इसका पीके रिक्वायर्ड पीएच से क्लोजेस्ट है। ओके ठीक है, यस सर। तो रिक्वायर्ड पीएच से क्लोजेस्ट है, उससे क्या होगा, एसिड बेस रेशियो 1 के क्लोज होगा, करेक्ट। यस सर, यस सर, हाई होगी। समझ में आया? Yes. Yes, sir, क्या नाम हो जाएगा सर, रिपीट कर सकते हो? क्या कह रहे हो? कोई तो ना कुछ हाई हो जाएगा भी, थोड़ा रिपीट कर सकते हो? एसिडिटी हाई हो जाएगी। हाँ एसिडिटी, अच्छा ओके ओके। ये आपने वो फॉर्मूला से बताया ना कि जो आपने लिखा था पीएच इज इक्वल टू पीके वाला, पीएच वाला फॉर्मूला है ये? हाँ ओके ओके। डन सर। बफर्स के बाद नेक्स्ट थिंग वी कैन मूव टू इज एसिड बेस टाइटेशन। ओके, तो देखो एसिड और बेस का जब रिएक्शन करते हैं, चलो मैं पहला एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट, क्या रिएक्शन होगा? कोई वीक एसिड है HX, ठीक है, और उसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस OH-। ये रिएक्शन होगा। ओके
इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट के है, ओके। तो सपोज इस केएन की वैल्यू निकाल दी, कैसे निकालेंगे? देखो मैं एक ये रिएक्शन लिखता हूँ, एच एक्स गोज टू एच प्लस एंड एक्स माइनस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा बताओ? सर के के। और एक रिएक्शन लिखता हूँ एच प्लस प्लस ओ एच माइनस गोज टू वाटर, इसका इक्विलिब्रियम kw kw 1 by kw, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करूं तो ये रिएक्शन मिल जाएगा मुझे, मेरा पहले वाला yes. kn क्या हो गया? a by kw करेक्ट। अब k की जनरली रेंज क्या होती है? 10 raise to minus 4 से लेके 10 raise to minus 10, तो k by kw you can see is a very high number, correct? Yes sir. इसी तरह अगर एक weak base और strong acid का neutralization करते, weak base और स्ट्रॉन्ग एसिड का न्यूट्रलाइजेशन करके, तो क्या मिलता kw/kw? तो वेरी सिमिलरली इसका न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट क्या होता? kb/kw। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन करते, One by kw. So we can see ये सब neutralization reaction का इंक्लूड होता, equilibrium constant is very high, correct? Yes sir. उसका क्या significance है? Reaction completion को जा रहा है। Reaction will proceed. Reaction will proceed almost to completion. ठीक है? अभी? Yes, sir. ये अभी मैंने आज क्लास की स्टार्टिंग में भी बोला था, एसिड बेस का रिएक्शन प्रोसीड्स ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, ठीक है? यस सर। अगर वीक एसिड वीक बेस का भी डिस्कस करना, इसका क्या होगा न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट? कैन यू टेल मी? kb/kw। तो इसके लिए हम श्योरली नहीं बोल सकते दिस इज वेरी हाई, करेक्ट? ये हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, ओके? यस सर। तो इसको हम लोग वैसे ही टाइटेशन में डिस्कस नहीं कर रहे, नोट कर लिए न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट्स? यस सर। सर इसमें एक डाउट था, आपने आयनिक में सिखाया था कि ऐसे हम लोग रिएक्शन का ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कोई कोई रिएक्शन कंप्लीशन पे नहीं जाते हैं। तो ऐड उसका इक्विलिब्रियम नहीं सॉल्व कर हम, सॉरी सर, ऐड करके इक्विलिब्रियम सॉल्व नहीं करते हैं, ये तो निकाल ही सकते हैं ना ऐड करके। अच्छा ओके ओके ओके।
यस सर। चलो विल स्टॉप हियर, नेक्स्ट क्लास आगे कैलकुलेशन। सर जस्ट अ रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज वेट, आई एम ऑलमोस्ट डन विद दिस। सर मेरे को पूछना था, बुक आयोनिक के बुकलेट में हम लोग को गेट इक्विप्ड विंडो और एक्सपर्टीज में से कुछ स्टार्ट नहीं करना था ना? कर सकते हो अभी, वैसे एक दो क्लास और रुक जाओ, कैलकुलेशन हो जाने दो, फिर करना। ओके सर, चलो बाय। क्लास इज ओवर राइट? यस बाय सर, थैंक यू सर।